फ्लाइट है वो चीप पड़ती है कंपेयर टू बीके के, जो कि है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट. आप डीएमके वाली फ्लाइट ले सकते हो जयपुर टू डीएमके. प्रायर बुक. हाँ जी, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज बीकानेरी स्वादन व्लॉग्स बाय भूमिका राठौर. तो हम निकल चुके हैं हमारी सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप की ओर, जो कि हो रही है बैंकॉक की. मेरी ना बड़ी इच्छा थी कि थाईलैंड जाकर आऊँ, तो इस बार हमने सोचा कि ठीक है सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप हमारी थाईलैंड की करते हैं. ये हमारा बोर्डिंग पास एंड देन हम लोग घुस गए हमारे प्लेन में. ये थाई एयर एशिया का प्लेन था, थाई एयर एशिया से हमने बुक करी थी. यहाँ पे चिया चल कर रही है अपनी नानी के साथ और काफ़ी स्मूथ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. चार घंटे की हमारी फ़्लाइट थी और यहाँ हम लैंड कर गए थे बैंकॉक में. और थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बारिश वाला सीजन लैंड ही हुआ था. जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है सब कुछ है उसको करने के बाद, फ्री होने के बाद डिटेल में मैं सारा कुछ बता दूँगी कि कैसे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या फॉर्म्स लेने हैं, क्या कुछ हैं. सो सीधा डायरेक्ट फॉर्मेलिटीज़ के बाद मिलते हैं. अब देखो करते हैं हम पते की बात. ये देखो वीज़ा ऑन अराइवल है, साइड में लाइन लगी हुई है. जैसे ही आप ना एंटर हो गए अराइवल वाली जगह, तो वहाँ पे आपको एरो दिख जाएगा और यहाँ पर आपको साइड से फॉर्म उठाना है और बेसिक डिटेल्स भरनी है. इस वीडियो में आगे आप देख लेना, मैंने सब कुछ बताया है कि क्या क्या भरना है, क्या नहीं भरना है और कैसे आप सारे फॉर्म को फिलअप कर सकोगे, ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकोगे. और अब हम एंटर हो गए हैं पटाया में और ये है खूबसूरत सा पटाया. हमारी जो लोकेशन थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल थी, आप देख सकते हो. अब हमारा यहाँ से लेफ्ट टर्न होती हमारा होटल है. हमने बीच होटल बुक किया था ताकि हम जब मर्जी चाहे होटल से निकलें और बीच एंजॉय करें, बीच पर चिल कर सकें. बच्चों के साथ बैठने में बड़ा आसान हो जाता है और प्रॉपर्टी का व्यू जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. आप खुद देख सकते हो जैसे आप एंटर हो रहे हैं, कितनी प्यारी रोड है, कितनी क्लीन सिटी है. सिटी में बोलूँगी बहुत क्लीन है, पटाया बैंकॉक दोनों बहुत क्लीन है. और ये हमारा जो एकदम ऑन रोड हमारा होटल था, ये देखो बिल्कुल शिप होटल था, बिल्कुल क्रूज़ की ना शेप में पूरा होटल बना हुआ था. बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन थी ये प्रॉपर्टी. ये देखो कितना प्यारा सा बना हुआ है ना, एकदम मतलब वो विंडो शेप वाली, सब कुछ बहुत क्लीन, मतलब बहुत अच्छा. बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी भी थी इन लोगों की. तो यहाँ ये लेन में इनका होटल है और जो होटल का जो फेस है वो बीच की तरफ है. तो यहाँ हम यहाँ से अब एंटर हो रहे हैं हमारे होटल में. इनका एक न्यू विंग भी बना है साइड में. होटल का जो मेरा नाम है वो था A1 रॉयल क्रूज होटल पटाया, ठीक है. प्रायर बुकिंग आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. और काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा होटल था. ये हमारा सामान वगैरह हमने सब निकाल लिया है और ये इनका न्यू विंग है जो बिल्कुल ऑपोजिट बना हुआ है. अब आप सुन लो मेरी सारी बातें. अब आज अपन जयपुर से कितने बजे लैंड हुए? सुबह गए 4:30-5 बजे. सुबह 4:30-5 बजे हम लोग बैंकॉक एयरपोर्ट डीएमके लैंड हुए. मोस्टली डीएमके की जो फ्लाइट है वो चीप पड़ती है कंपेयर टू बीके के, जो कि है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट. आप डीएमके वाली फ्लाइट ले सकते हो जयपुर टू डीएमके. प्रायर बुकिंग कराओगे तो आपको बहुत चीप पड़ेगी, है ना. हमने लास्ट मोमेंट बुक कराई तो हमको महंगी पड़ी, प्लस हमको लगेज बाय करना पड़ा क्योंकि ये लो फेयर एयरलाइंस है, लगेज नहीं होता, तो इसमें लगेज नहीं होता है. तो लगेज ऑन एन एवरेज हमने 40 kg बाय किया था इन रुपीज 6000, है ना, अराउंड 6000. पहले से बुक करा लो तो आपको रिटर्न पड़ जाएगी आराम से 2021 में विद लगेज, क्यों, है ना. सबसे पहला तो ये पॉइंट. दूसरा पॉइंट, कई हजारों वीडियो बनी हुई है कि प्रॉब्लम होती है इमिग्रेशन में, प्रॉब्लम होती है वीजा में दिक्कत होती है, ये लोग ज्यादा पैसा ले लेते हैं, ऐसा वो लाइन बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है. ऐसा जरूरी नहीं है, हर किसी के साथ नहीं होता, बहुत ही सबका एक्सपीरियंस अलग होता है. किसी का हो गया होगा धोखा, हाँ हो गया होगा. स्ट्रेट है 2200 baht अराउंड. INR में कितना हुआ का वीजा? INR में कितना हुआ ऑन एन एवरेज? 2.5 rupees लगा लो. नहीं, 2200 baht कितना हुआ? 22 × 44 और 44 और 5000 के लगभग ज्यादा हो गया. बोलते हैं ऐसा कि 2000 baht वीजा का है बट वो डायरेक्ट स्ट्रेट आपसे 2200 baht मांगेंगे. 2200 baht आप दे दो क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है. आपको 5 मिनट के अंदर वो लोग फ्री कर देंगे. आसपास हो गया वीजा, 5500 रुपए लगे. 5 मिनट के अंदर अंदर आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेते हैं. और ये तरीका, एक और चीज हम लोगों को दिक्कत हुई थी कि फॉर्म कहाँ से लेना है या ऐसा कुछ कहाँ से करना है. वीजा ऑन अराइवल के पास में ही आपको एक काउंटर है, टेबल टाइप बने हुए हैं, वहां पे लोग भर रहे होंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा. वहां से आप फॉर्म ले लो.
सिंपली उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना आपकी। और मेरे को लगता है कि अब इसका फॉर्म ऑनलाइन है तो जब जाओ तो उसको ऑलरेडी भर के जाओ। कई लोग ऑनलाइन नहीं भी भर पाते तो उनके लिए और उसमें इनका जो साइज है ना यहाँ पे 4x6 का साइज है पासपोर्ट साइज का अगर वो निकला लो तो बेस्ट है। वो नहीं भी हो तो थोड़ी छोटी भी चलेगी पर एकदम छोटी जैसे अपने यहाँ चलती है ना कि इतनी से छोटी से वो नहीं चलती, वो इसका रिजेक्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आपने पासपोर्ट साइज फोटो ले ली तो आपके समझ लेना 5,000 रुपए की चलती उतर गई। तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको पहले से लानी है, साइज का इतना ज्यादा मैटर नहीं है। 4x6 हो साढ़े तीन, अपन ने 3.5 × 4.5 तो हमारी चल गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। पॉइंट ये है कि उस फॉर्म में क्या क्या फिल करना है कुछ भी नहीं है, बेसिक डिटेल है। कैपिटल में फिल करना है आपको सामने एक टेबल पे ही, मतलब जिस टेबल पे आप लिखोगे आपको एक एग्जांपल फॉर्म भी चिपका हुआ मिल जाएगा, उसको देख लेना। कुछ भी नहीं है, आप कहाँ स्टे कर रहे हो वो होटल का नाम, आपकी फ्लाइट का नंबर, आपका जो पासपोर्ट है वो कब रिन्यू, होटल बुकिंग और फ्लाइट रिटर्न टिकट उसकी कॉपी, बेसिक डिटेल देनी है, कुछ देना नहीं। नहीं, फॉर्म में ये भरना है। उसके बाद अंदर जाकर के पहले आपको पैसे देने हैं, पैसे दोगे आपको एक टोकन नंबर देंगे, उस टोकन नंबर से आपको आवाज मारेंगे, फिर आपको अपने वीजा लगा के दे देंगे, वीजा लगा करके फिर आपका इमिग्रेशन होगा। 5 मिनट का इमिग्रेशन है एक आदमी, विद इन 5 मिनट्स में, कुछ भी नहीं है, दोनों फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं और फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। 5-7 जने ग्रुप में हो तो उनको आपको एक अलग ही काउंटर दे देंगे, उस काउंटर में फटाफट निकाल देते हैं। तो हमारे को बिल्कुल भी इमिग्रेशन में दिक्कत नहीं हुई, ऐसा कुछ भी घबराने वाली चीज नहीं है, बहुत क्विक इमिग्रेशन हो गया। अब आती है जाने और आने कन्वेंस की बात। तो कन्वेंस की बात यह है कि एयरपोर्ट पे ही आपको टैक्सी सर्विस मिल जाएगी, बट वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। एयरपोर्ट से जैसे आप बाहर निकलोगे तो ये बचने वाला स्कैम का एक तरीका यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिससे बच के रहना है। वो ऐसे है कि आपको बाहर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे टैक्सी और ये, मतलब कि भाई बुक कराने के लिए कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो हमारी ये है ना सलाह है कि बेटर ये रहेगा बोल्ट ऐप जो होते हैं, जो टैक्सी ऐप जो होते हैं उनको यूज करो, जैसे अपने उबर है उस टाइप से। यहाँ पे बोल्ट चलता है तो बोल्ट यूज करो। हमारे बोल्ट में हमको पटाया आना था तो 2183 बाट आ रहा था हमारे होटल तक का, होटल तक का। और बाहर जो हमें आदमी मिला उसने बोला 2000 बाट इंक्लूडिंग जो टोल होता है वो। तो हमको लगा भाई बहुत सही है, हमारे लगभग 183 हमारे को गाड़ी चाहिए थी, एक्सेलेंट बड़ी गाड़ी चाहिए थी, इनोवा या फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ी। तो हमने लालच, थोड़ा सा लालच देख करके हमने कर तो लिया, बट दिमाग में एक पॉइंट आ रहा था क्योंकि ठगी कहीं भी हो सकती है आपके साथ। तो उसने बोला ठीक है कि 2000 में सब कुछ आपका करेंगे, गाड़ी भी आ गई हमारी फॉर्च्यूनर, हम उसमें बैठ भी गए। बैठने से पहले मैंने उससे पूछा, मैंने कहा 2000 बाट ना, तो कह रहा हूँ सामान रखो फटाफट फटाफट ऐसे ही कंफ्यूज करने गेटिंग लिखा बेटा। अपने जो कम्युनिकेशन गैप का फायदा उठाते हैं ये लोग। तो सामान फटाफट उसने हमारा रख दिया, जवाब बिठा दिया गाड़ी में, पैसे का जवाब बिठाने के बाद में मैंने उसको बोला, मैं भैया 2000 बाट में हमारी बात हुई है, आप जिस आदमी से बात करे तो उसने जिसने बिठाया 2000 बाट में बात हुई है। उसमें भी उसने यूं बोला हाँ, ओके। फिर मैंने बोला मनी, फंस गया। फिर वो उसको जवाब देना पड़ा कि बोला फिर 2200 बाट। तो इन्होंने बोला ऑलरेडी कैंसल्ड माई राइड विच वॉज फॉर 2000 बोला था मैंने। हाँ 2000। तो वो बोला नो, नहीं, इन्होंने ये बोला कि आपका वो जो था आदमी उसने हमको 2000 भाट इंक्लूडिंग टैक्स बोल इंक्लूडिंग टोल बोला है। तो बोला नो नॉट सेम ऐसे करके बाट डाल दी। तो उन्होंने उसी टाइम बोला यू स्टॉप हियर उतार दे ड्रॉप अस। तो बोला ओ क्या बोला उसने आपको No problem, no take it easy, take it easy. You give me 2000 baht, I will drop you. Take my number. बार्गेनिंग करते हैं तो वो हो सकता है 1500-1600 baht के अंदर आपको आराम से बैंकॉक से पटाया आराम से ड्रॉप करेगा किसी भी होटल में। तो ये कुछ स्कैम है जो यहाँ पे चलता है, अगर आपने उनसे डील कर लिया तो ठीक है, वरना आपके पैसे लग जाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ेगा क्योंकि आपको बैठाने के बाद ये आपके साथ ठगी कर लेंगे। और परिवार की वजह से लोग आदमी 100-200 बाट देखता नहीं, नहीं देखता है यार, 500 रुपए देते हैं, 500 बाट का मतलब हो गया आपके मतलब 1500 रुपए लग गए एक्स्ट्रा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन यूज करो, एप्लीकेशन में पूरा ध्यान रखो कितने पैसे लग रहे हैं क्या लग रहा है, थोड़ा रिसर्च करके जाओ जगह पे। तो हमको थोड़ा आइडिया था तो हम उस हिसाब से हमारे को टाइम बताया था 3 घंटे। हाँ 3 घंटे बताया था, 1.5 घंटे में 1.5 घंटे हमें हम डीएम के से हम पटाया पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये रैंकिंग फॉर्च्यूनर का था, अगर आप जैसे एक्सेल का 3 या 4 जने हो
तो छोटी गाड़ी करोगे तो उसका रेंट शायद और भी कम आएगा। मेरे को लग रहा है 1000 बाट के अंदर आपको छोड़ देगा, 1000 में आराम से। पर बेटर यही रहेगा एप्लीकेशन से बुक करो, सेफ रहोगे, ठगी से बचे रहोगे, है ना। इन ये जो बाहर ये जो डीलर्स होते हैं इनसे गाड़ी नहीं बुक कराना। और अगर सिंगल हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगल आदमी तो फिर भी डील कर लेता है, फैमिली के साथ हो तो थोड़ा ध्यान रख के चले, है ना। और कोई पॉइंट्स व्हिच यू वांट टू क्लियर? बस आज का तो यही है, आगे देखते हैं। दूसरा ये और कि जो ये जो फ्लाइट है ये सुबह लैंड होती है, यहाँ पर टाइमिंग 2 बजे का है चेक इन का। हमारे आज 5000 एक्स्ट्रा लगे, 5000 रुपए हमारे एक्स्ट्रा लग गए क्योंकि हम फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते। सुबह 9 बजे के पटाया पहुंचे हुए हम 2 बजे तक कहाँ टाइम पास करेंगे, तो हमें अर्ली चेक इन के लिए हमारा जो उन्होंने हमें कनेक्टिंग रूम जो था हमारा वो उसमें से एक रूम हमें ओपन करके दिया, जिसके अर्ली चेक इन के उन्होंने हमसे 1200 बाट एक्स्ट्रा लिए सिर्फ 5 घंटे के। हमारे लगभग 5000 रूपए, 1995 बाट लगभग 5000 रूपए हो गए, 1995 लगभग 5000 रूपए हमारे एक्स्ट्रा लग गए इस चीज के। तो ये भी है कि थोड़ा ध्यान रखो, एयरपोर्ट पे टाइम बिता दो, बाहर थोड़ा टाइम बिता दो, वो उस दिन का रेट लेते हैं जो उस दिन का होटल का रेट आ रहा है। हाँ, बाहर थोड़ा टाइम बिता दो, उसका हाफ लेते हो। मान लो अगर 2000 रूपए का रेट आ रहा है तो उसका 1000 रूपए लेंगे वो, तो आज का कोई रेट था 4000 रूपए का, 3900 रूपए का, उसका उन्होंने अपने से 1995 बांट लिया और हम 5000 हो गया। इतना क्विक वीडियो बनाया तो भी 8-27 की वीडियो बन गई। हाँ। चलो वीडियो यही एंड करते हैं, ठीक है ना। जो मेजर पॉइंट्स थे इमिग्रेशन से रिलेटेड, आपकी फोटो से रिलेटेड, आपके डिटेल से रिलेटेड, आपके पैसों से रिलेटेड। पैसे आपको पता है कितने लेके आने, पैसे कितने लेके आने वो भी बता दो। पैसे कम से कम मेरे आपकी फैमिली है तो अगर फैमिली हो पूरी तो 20,000 बाट आपको एक फैमिली के हिसाब से लेके आने, पर पैसे फिर भी अच्छे खासे करा के लाओ, क्योंकि आप यहाँ से अगर एटीएम से विड्रॉ कराओगे तो पर ट्रांजैक्शन आपको 5000 रूपए। कई अच्छी जगह अच्छी रेटे भी है। हाँ, नहीं ट्रांजैक्शन एटीएम से करने पे, एटीएम से तो इससे बढ़िया आप वहां से कैश अच्छा खासा लेकर आओ। वैसा बोलते हैं 10,000 बाट एक जने के पास होने चाहिए, अगर आप फैमिली हो तो टोटल इन टोटल 20,000 बाट आप लेकर आओ, पर कैश तो यहाँ पे लेकर आओ क्योंकि कैश तो चाहिए होता है वैसे भी, बार बार कौन इतना ट्रांजेक्शन करता है ना। ठीक है, चलो, है ना। जो और कोई पॉइंट्स आएंगे तो वो आगे की वीडियो में अपन क्लियर कर लेंगे। अब तक के लिए हमारा जो होटल है वो है A1 रॉयल क्रूज होटल पटाया, जो बीच रिजॉर्ट है, एकदम ऑन बीच सिचुएटेड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीच भी दिखाऊंगी, तो फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, बाय बाय बाय।